दुधवा नेशनल पार्क के कैंपस में एक अजगर ने मॉनिटर लिजर्ट को जिंदा निकला। सलमान दुधवा ने बताया, जब वो सफारी के लिए जाने वाले थे अचानक से उनकी नजर इस नजारे पर पड़ी तो उन्होंने इस नजारे को अपने कैमरे में किया कैद। हम आपको बता दें, सलमान दुधवा के विख्यात नेचर गाइड हैं। खबर राजस्थान के सीकर से। रेंज पाटन के अलग अलग गांवों में घर के बाड़े में घुसकर जंगली जानवर ने 15 भेड़ों और 12 बकरियों को मौत के घाट उतारा। सीकर DFO श्री कृष्णिया ने बताया कि मौके पर पगमार्क नहीं होने की वजह से यह कहना मुश्किल है कि कौन सा जंगली जानवर हो सकता है। वहीं विभाग ने टीम गठित कर फॉरेस्टर महेश कुमार, रोहिताज गुर्जर, हरिराम, नवीन शर्मा, राजकुमार सिंह आदि को रात्रि गश्त के लिए पाबंद किया गया है। मुआवजे की कार्रवाई की जा रही है। उत्पाती बंदरों की अब खैर नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड शेड्यूल एनिमल की श्रेणी से हुए बाहर। वाइल्ड लाइफ एक्ट में संशोधन, बंदरों को वर्मिन घोषित करने के लिए लेनी पड़ती थी केंद्र सरकार से मंजूरी। खबर राजस्थान के कोटा से। कोटा में कमरे में घुसा कोबरा सांप, स्नेक रेस्क्यू करता गोविंद शर्मा ने किया रेस्क्यू। चीता ज्वाला का चौथा शावक अब खतरे से बाहर। गौरतलब है, 3 चीता शावक कमजोरी और गर्मी के कारण काल का ग्रास बन गए थे। सिक्किम में 12 से ज्यादा मवेशियों को मारने वाला तेंदुआ वन विभाग की गिरफ्त में। लगातार मवेशियों के शिकार की घटना के बाद स्थानीय लोगों में भय व्याप्त था, जिसके बाद विभाग ने पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ लिया है। पीलीभीत में बाघ ने खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अब बाघ की तलाश में जुटी है। नेचर गाइड आमीन की जानकारी के मुताबिक मृतक अलीगंज गांव का अशोक बताया जा रहा है। खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से। परौली कस्बे के समीप श्री कृष्ण गौशाला में रविवार रात को पैंथर ने गौवंश को शिकार बनाया। पैंथर के मूवमेंट से अमरपुरा, गोलबाड़ी, कांटी, घेवरिया, सरा का खेड़ा, माधोपुरिया, चैनपुरा सहित बनास नदी के तट क्षेत्रवासी दहशत में हैं। हिमाचल के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में सोलन की रहने वाली विख्यात पर्वतारोही बलजीत कौर को सम्मानित किया। उन्होंने बलजीत कौर की पर्वतारोहण के क्षेत्र में उपलब्धियों और जज्बे के लिए सराहना की। बलजीत ने एक महीने से कम समय में एवरेस्ट समेत 8000 से ऊंची 5 पर्वत चोटियों पर चढ़कर अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। खबर राजस्थान के कोटा से। सातलखेड़ी कस्बे में पीपाखेड़ी रोड पर सोमवार सुबह एक जरक घायल अवस्था में मिला। सुबह करीब 8 बजे पीपाखेड़ी रोड पर जरक को घायल पड़ा देखकर लोगों की भीड़ लग गई। उन्होंने वन विभाग व पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल जरक को वाहन में रखकर दरा नाके पर ले गई, जहां उसका उपचार किया गया।